हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं मैंगो केक बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों का शेयर करने आई हूँ। ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक होता है और अभी मैंगो का सीज़न भी है, लॉकडाउन भी चल रहा है, बच्चे कहीं बाहर नहीं जा सकते एंजॉय करने के लिए। मैंने सोचा कि चलिए आज रिफ्रेशिंग ड्रिंक घर में ही बनाया जाए। इसकी रेसिपी बहुत ही ईजी है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ रिफ्रेशिंग ड्रिंक कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स ये देखिए, मेरे पास ये आम है, मैंने ये रफली चॉप कर लिया है उसको छिलका निकाल के, और हाफ लीटर मेरे पास दूध है जिसको मैंने बॉयल करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था, और मैंने चीनी लिया है। टेस्ट अकॉर्डिंग मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। अब मैं तीनों चीज़ को मिक्स करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके आपको फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा ये फाइन ग्राइंड की हूँ मैं। अब मैं आपको ये ग्लास में एक सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा ये ग्राइंड हुआ है, आप देख सकते हैं, थिकनेस देख सकते हैं आप। अब मैं आपको ग्लास में सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा, कितना फाइन ये ग्राइंड हुआ है, ये बहुत ही हेल्दी जूस होता है, बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा, मेरे पास फ्रेश मलाई है, इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ क्योंकि इसका और जायका बढ़ जाए। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे बहुत खुश रहते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है, थोड़ा सा मैंने ये काजू, सॉरी बादाम, और ये मेरे पास काजू है। ये ऑप्शनल है, और ये मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ इसमें। काजू है, ये नारियल है, ऑप्शनल है सब। आप इसको बना के घर में एंजॉय कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं घर में कितना इजीली मेरा ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि जो भी मैं नया रेसिपी डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए अब मेरा ये मैंगो शेक बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स मुझे याद दीजिए, इस बहन को दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, बच्चों का भी ख्याल रखिए। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।